श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः वील रीड फ्रॉम वर्स नंबर 17 सर्वं ब्रह्मेति वैज्ञानात् इन्द्रियग्रामसंयमः यमोऽयमिति संप्रोक्तः अभ्यसनीयो मुमुर्मुहुः सजातीयप्रवाहश्च विजातीयतिरस्कृतिः नियमो हि परानन्दो नियमात् क्रियते बुधैः त्यागः प्रपञ्चरूपस्य सच्चिदात्मावलोकनात् त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षप्रदायकः यस्माद्वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन्मौनं योगिभिर्गम्यम् तद्भजेत् सर्वदा बुधः अष्टांग योग में हमको 8 अंग बताए थे यम नियम गुना टेप रिकॉर्डर पक्का है काम कर रहा है टेप रिकॉर्डर पतंजलि महर्षि का योग शास्त्र जो है वो प्रकृति प्रधान है उसमें प्रकृति के कैवल्य की बात होती है और इसीलिए जितनी भी बातें बताई है यम जो है अहिंसा सत्य अस्थे अपरिग्रह इत्यादि नियम जो है वो शौच संतोष तपस्वाध्याय सभी की सभी बातें घुमा फिरा करके प्रकृति में ही लगाई है और जब प्रकृति का कैवल्य हो जाता है तो पुरुष और प्रकृति का भेद समाप्त हो गया। देखो इसीलिए योग की परिभाषा पतंजलि महर्षि ने करी है कि योगः चित्तवृत्ति निरोधः। हमने पहले दिन देखा था शायद कि किसी भी मन की भूमिका में चित्तवृत्ति निरोध करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। देखो यदि चित्तवृत्ति निरोध हो गया है क्षिप्त भूमिका में तो ऐसा व्यक्ति हमेशा चंचल और डिस्टर्ब रहेगा क्योंकि वो उसका स्थायी भाव हो गया। यदि मूढ़ भूमिका में चित्तवृत्ति निरोध किया तो वो बेवकूफ़ी रहेगा जिंदगी भर और यदि विक्षिप्त भूमिका में चित्तवृत्ति निरोध हो गया तो वो बहुत जिद्दी हो जाएगा और यदि एकाग्र भूमिका में चित्तवृत्ति निरोध हुआ तब उसकी संभावना है अध्यात्म के मार्ग पर चलने की और निरोध या निरुद्ध भूमिका में चित्तवृत्ति निरोध हुआ तब तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। तो जो बताते हैं महर्षि महाराज तो जब तक के हम अपने चित्त की भूमिकाओं को जीतते नहीं क्षिप्त से हटे मूड में आए मूड से हटे विक्षिप्त में विक्षिप्त से हटे एकाग्र में आए एकाग्र से हटे फिर निरुद्ध भूमिका में आए और वहाँ आने के बाद आपको चित्तवृत्ति निरोध करना है फिर क्या होगा तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। देखो ये जो दो शब्द है ना तदा तो यदा और तदा हमेशा जोड़ी में रहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजाम्यहम यदा तदा। तो जब कहते हैं तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम का तात्पर्य क्या हो गया, तो यदा निरुद्ध भूमिका में चित्तवृत्ति निरोध होता है तदा, तब जा करके स्वरूप अवस्थानम हम अपने स्वरूप में वापस लौट के आते हैं। देखो महाराज, ये बात एकदम हमको स्पष्ट समझनी है। तो ये हो गई प्रकृति प्रधान योग की साधना, लेकिन उसका लक्ष्य है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। तो प्रकृति को जीतना अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए, लेकिन विभूति पाद आता है, तृतीय पाद। उसमें व्यक्ति जब मन को संयमित कर लेता है, त्रयम एकत्र संयमः, जब हमारा मन जो है देश काल वस्तु इन तीनों के द्वारा पूर्ण रूप से संयमित हो गया, तो उसमें अनेक जो सुप्त शक्तियां है वो प्रकट होने लग जाती है। जैसे कोई भगवान के सामने दीप स्तंभ हो तो लोग उसको कभी साफ नहीं करते। हम कई घरों में जाते हैं ना, तो गए वहाँ, खूब बढ़िया भगवान की भक्ति भुक्ति चल रही है, लेकिन वहाँ के बर्तन देखो, अरे अरे राम 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 राम। तो एक घर में गया था मैं, तो मैंने उस दीप स्तंभ को ऐसा करके देखा, तो मैसेज मिल गया। फिर दूसरे दिन फिर हम गए तो चकचकाट, तो उसकी जो सुंदरता थी वो बाहर के किसी आवरण से ढक गई थी। सुंदरता निर्माण नहीं करते, वो होती है, निर्माण करते हैं ब्यूटी पार्लर में जा करके, और जब बारिश में आते तो घर में लोग पहचानते नहीं कौन है, सब धुल गई। देखो, तो जैसे हमारा मन शांत हो गया एकदम, त्रयम एकत्र संयमः, संयम हो गया, तो उसमें जो सुप्त शक्तियाँ है, जैसे वस्तु में सुप्त सुंदरता होती है, कचरा हटा तो दिख पड़ती है, तो मन में क्या है जिसके कारण मन की शक्तियाँ सुप्त हो गई है, तो वो है हमारे मन में दुनिया भर का कूड़ा कचरा भर गया। और कूड़ा कचरा भरने के कारण उस स्थिति को कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। ये जो षड विकार है, षड रिपु है, इसके कारण मन का सौंदर्य ढक जाता है। और जब ये सब विकार समाप्त हो गए, उसमें जो सुप्त शक्तियां है वो प्रकट होने जाती है, उसी को कहते हैं सिद्धियां। देखो, और ये जो सिद्धियां है साधक के लिए, ये प्रतिबंध है, ये ऑब्स्टेकल्स है। देखो, एक सिंपल बात है, हमारे पास कोई चीज होती है, अभी ये माताएं जो है ना, ये विवाह के समय में जाती है सब अपने गहने पहन करके, पहनने के लिए थोड़ी पहनती है, दूसरे को दिखाने के लिए। और आप उनको पूछो, अच्छा ये फेक ज्वेलरी तुमको कहाँ से मिली? फेक, हाथ लगा के देखो ओरिजिनल है। तो छोटी मोटी चीजें जब होती है तो हम उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं ना, दुनिया को दिखाना चाहते हैं। गलती से किसी का आवाज ठीक हो तो उसके उसका गला खुजलाता है, जब तक ये गाएगा नहीं तब तक चुप नहीं बैठेगा वो, और कहीं बैठे गुनगुनाएगा। आपको गाना आता है, संगीत विशारद? हाँ, देखो जिनको डिग्रियां मिलती है ना वो एक्सपर्ट नहीं होते। स्टीव जॉब
कौन सी डिग्री है उसके पास? सी डिग्रिया वाले पेट पानी का धंधा करते हैं। देखो महाराज, जीनियस लोग इसमें नहीं होते। तो जहां ये सिद्धियां प्रकट होने लग गई तो दुकान खुल जाएगा। तो द्वैत से निकलने के लिए निकले और द्वैत में ही फंस गए। और इसीलिए हमको इस उपनिषद में पहले ज्ञान की बातें बताई है और इसमें हमको ये सब बताने के पश्चात आप साधना क्या करनी है। तो वहाँ अष्टांग योग था, यहाँ पंचदशी योग है। इसमें 15 बातें बताई है, एक नहीं दो नहीं 15। उसमें से हमने पहले 3-4 देख ली। अब आते हैं मौन। तो मौन किसको कहते हैं? यस्मात् वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास, उपनिषद का मंत्र है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास यन् मौनम् योगिभिः गम्यम्। देखो हम बोलते कब है? जब अन्य की प्रतीति को सत्य मानते हैं तब बोलते हैं। हम जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो अपने आप से नहीं बोलते, यार तू बड़ा अच्छा दिख रहा। नहीं यार, तुम्हारे नाक जरा टेढ़ी हो गई है, क्या करूँ यार, वो ऐसा ही था हमेशा के लिए। हम बोलते नहीं, क्योंकि हमने दर्पण में पड़ा हुआ जो प्रतिबिंब है उसको सत्य नहीं माना। और हमारे स्थान पर कोई पक्षी हो या कोई डॉगी हो, आपको पता है ना हमने डॉगी क्यों कहा? आजकल कुत्ते को कुत्ता कहना मनुष्य का अपमान है। ये कुत्ता शब्द जो है आदमी के लिए रखा है। तो दर्पण के सामने पक्षी हो या कोई डॉगी हो वो उसको सत्य मानता है और फिर भोंकना शुरू कर दिया। देखो संतो, जब हम इस द्वैत जगत को सत्य मानते हैं तो चुप नहीं बैठ पाओगे। जितना जागृत का द्वैत हम सत्य मानते हैं अज्ञान के कारण, उतना ही स्वप्न का द्वैत भी हम सत्य ही मानते हैं जब तक के स्वप्न चल रहा है। देखो संतो, कोई भी व्यक्ति स्वप्न का अनुभव करते समय यह स्वप्न है ये नहीं जानता। उस समय वो सॉलिड रियलिटी होती है। इसीलिए कोई भयानक सपना पड़ा, देखो पत्नी आकर के डिस्कस कर रही है, भयानक सपना। तो फिर गुस्सा हो गया, हूँ हूँ हाँ हाँ हो गया, और जब सपना टूट गया, धन्यवाद कम से कम सपने भी ही थी। जाग के फिर कहेगी क्या हो रहा था, फिर सुनो। देखो महाराज, तो सिद्धांत क्या निकला? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जहाँ वाणी और मन का व्यापार नहीं होता, यन मौनम योगी भी ही गम्यम। तो मौन का तात्पर्य इस ज्ञान के योग को चलने वाले के लिए ये है, अपने स्वरूप में लौट के आओ। देखो ये बहुत महत्व की बात है, इसीलिए अपना महामंत्र याद है आपको कौन सा है? देखो सुनो मत बोलो। लेकिन होता क्या है, ये कई लोग आपने देखोगे मौन वाले, दूसरे से बात नहीं करेंगे मौन में, फिर हाथ में कागज पेंसिल लेके बैठे रहेंगे। वाणी ये कर्मेंद्रिय है,
हाथ से लिख रहे ये भी कर्म इंद्रिय है, एक छुट्टी पर चला गया दूसरे को जॉब दे दिया। देखो तो ये जो गिरा मौनम ही बाला नाम, तो इस चक्कर में हम फंस जाते हैं। इसलिए भगवद गीता को पकड़ो, भगवद गीता में स्पष्ट बताया है मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह, चार बातें हैं। तो मौन ये वाणी की साधना नहीं है, मन की साधना है। तो मन की क्या साधना है? मन को अपने स्वरूप में वापस लौटा दो। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासा, जहाँ वाणी समाप्त हो जाती है कि न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक गच्छति न मनः न विद्मः यथा एतत् अनुशिष्यात्। फिर क्या है परमात्मा ब्रह्म? कहीं भी नहीं बताया क्या है, केवल निषेधात्मक भाषा में ही बताते हैं। क्या है ये नहीं बताया। यतो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ से वाणी और मन लौट के आता है वो, लेकिन वो है क्या? ढूंढो। केन उपनिषद में भी यही करते हैं, अन्य देव तद विदितात् अधि अविदित, जो ज्ञात और अज्ञात इन दोनों के परे है। देखो अन्य देव तद विदितात् अविदितात् अधि, क्या है जो ज्ञात और अज्ञात के परे है? तो हमको गुजराती आती है, भगवान गुजराती नहीं है, ये तो हर जगह में वो चीनी डालेगा, अच्छी बात है। फिर हम गुजराती है, भगवान गुजराती नहीं, हम तमिलियन नहीं है, भगवान तमिलियन भी नहीं। अरे क्या जानते हैं जागृत स्वप्न, क्या नहीं जानते सुषुप्ति? तो जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इनसे परे है, क्या है अभी तक नहीं बताया। देखो और सुषुप्ति कारण देह कारण है, स्वप्न और जागृत ये कार्य है, तो परमात्मा क्या हो गया? कार्य कारण से परे। कार्य कारण की नींव कहाँ है? बुद्धि में। तो बुद्धि को खत्म करो, कैसे? प्रभु चरणों में लीन कर दो, जो थारी राय सो। इंटेलेक्चुअल्स जितने दुखी होते हैं उतना साधा आदमी दुखी नहीं होता, उनका हमेशा वही वाई 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 स्काई इज टू हाई। देखो महाराज, इसीलिए यस्माद् वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यन मौनम योगिनी गम्यम, इसको कहते हैं मौन। माने जो वाणी और मन का विषय नहीं है, तद भजेत सर्वदा बुधहा। तो जो समझदार ज्ञानी साधक है वो तद भजेत से भज सेवायाम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, तीन बार भगवान ने कहा है भज भज भज, हम भजे खाएंगे। तो तीन भज क्या हो गए? पहले स्थूल देह से सेवा भाव रखो, वाणी से भगवान का भजन करो, और मन से परमात्मा के लीला का या तत्व का चिंतन करो। देखो तद भजेत सर्वदा बुधा, तब हमारी यह साधना अखंड चल रही है। तो स्थूल देह में रहते हैं तो सेवा भाव, ध्यान से सुनना, किसी पर तरस कभी मत खाना। जब हम किसी पर तरस खाते हैं तो साक्षात भगवान का अपमान करते हैं। देखो अरे बेचारा लंगड़ा है भूखा है,
तो आपकी दृष्टि कहाँ है? केवल बाहर के कपड़ों पर। उसमें कौन प्रकट हो रहा है? इसीलिए जो होता है ना कंपैशन, दया, हमको वो नहीं अच्छा लगता। दया दुआ मत करो, करनी है तो सेवा करो, नहीं तो मत करो। जिसकी सेवा करते हैं उसमें कुछ ना कुछ श्रेष्ठ जानते हैं, तभी सेवा करते हैं ना। माँ बाप की सेवा करते हैं, पत्नी की सेवा करते हैं, हर एक घर में यही कहानी है। हमेशा पति जल्दी उठता है और महारानी बाद में उठती है। ये ब्रह्मा जी के समय से चलते आ रहा है, आपका दोष नहीं है। उसके पश्चात जो पति तो पावन सीताराम है, वो चाय बनाएंगे, उस महारानी को देंगे, फिर वो वहाँ से ऑर्डर करेगी, ऐसे करना वो गैस को ऑन करके उसमें चावल चढ़ा देना। देखो महाराज, इसीलिए शरीर से सेवा और वाणी से भगवान नाम और मन से आत्मचिंतन, ये हो गया मौन का अर्थ। यन मौनम योग भीरगम्यम तद भजेत सर्वदा बुधहा। देखो कितनी सिंपल बात है। अच्छा, ये सेवा को इतना क्यों महत्व देते हैं? इसीलिए कि सेवक वो होता है जो इंसल्ट प्रूफ है। सेवक का अपमान नहीं होता। जिसका अपमान होता है उसका ईगो बड़ा स्ट्रांग होता है। मानापानयो समानस्य, और सेवक कौन है? उसका अपमान नहीं होता। जैसे मैं सेवक हूँ और ये चुटकी मेरी बॉस है, तो उसने मुझे कहा ए पानी ले आ, तो किसी को भी ऐसे नहीं लगेगा कि मेरा अपमान हो गया। नौकर का अपमान नहीं होता। और नौकर ने ऐसा कहा तो कितना पानी पियोगे, टैंकर हो गया? ऐसा कहा तो देखो अपने बॉस का अपमान करता है। तो ध्यान से रखना, जहाँ जहाँ आपको अपमान फील होता है, समझ लेना वहाँ वहाँ आपका ईगो भयानक रूप से प्रकट हो रहा है। देखो हमारी यशोदा मैया ने कृष्ण को डांटा, मिट्टी खाता है, पता नहीं पिछले जन्म में सुअर था क्या? भगवान को गुस्सा नहीं आया? अरे बाप रे, इसको पता चला तो तुरंत मुंह खोल करके कंफ्यूज कर दिया। देखो महाराज, जिस दिन आपको ये अपमान कभी परेशान नहीं करेगा, तब जा करके हम ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं। ज्ञान मान जहूं एक हूं नाई। ज्ञान में अपमान नहीं होता। देखो यन मौनम योगी भीर गम्य तद भजे सर्वदा बुधहा। तो ये हो गया मौन। अगली बात करते, इसी मौन को आज विस्तार से बताते हैं। वाचो यस्मान निवर्तन्ते तद वक्तुम के न शक्यते, प्रपंचो यदि वक्तव्यः सोपि शब्द विवर्जितः। जब ये कहते हैं कि परमात्मा क्या है, वाचो यस्मा निवर्तन्ते, जो वाणी का विषय नहीं है, तद वक्तुम केन शक्यते, फिर कौन उसके बारे में बोल सकता है? देखो इसीलिए जितना हम विषय के बारे में बोलेंगे उतना अपने से दूर चले गए। अच्छा, विषय का त्याग कर दिया, फिर हम अपने ही बारे में अपने से बोले जा रहे हैं कुचुर 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 कुचुर, तो भी अपने से दूर है। इसीलिए जो महामंत्र है ना कि देखो सुनो मत बोलो, जब हम बोलना बंद करते हैं मौन के जैसे, तब ध्यान से सुनना,
तब वाणी जो है वो मन को प्राप्त हो जाती है, जैसे बर्फ पानी बन गया। हमने आपको कल या परसों बताया था, मन के स्थूली भाव को वाणी कहते हैं, परावाणी, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, ये मन की भिन्न स्थितियाँ है। इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट देते हैं, अभी कभी ट्राई करो, बिना शब्द का प्रयोग किए कुछ भी विचार करो, हो गई बोलती बंद। जो हम कंप्लेन करते हैं ना, मन में बहुत विचार आते हैं, मन विक्षेपित है, इसका अर्थ है यही कि हम अंदर ही अंदर बक 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 कर रहे हैं। ये यहां बताते हैं, वाचो यस्मा निवर्तन्ते तद वक्तुम केन शक्यते। जो वाणी का विषय नहीं है उसके बारे में आप क्या बोलोगे? तो भगवान की असली पूजा होती है जब हम चुप होते हैं। तब देखो, वो धूम धड़ाके से आवाज करना, सबको डिस्टर्ब करना है। तो यस्माद् वाचो निवर्तन्ते तद् वक्तुं केन शक्यते। अच्छा, दुनिया के बारे में बोलो। एक बार बंबई की बात है, हमारा सत्संग हो गया और एक अम्मा आई, पढ़ी लिखी, वहाँ सब अंग्रेज आते हैं। आने के बाद मुझे कहती है कि स्वामी जी, तो मैंने उसको बोलने नहीं दिया। हमने कहा कैसा लगा ब्लफ? तो वो एकदम भावुक हो गई, स्वामी जी ऐसा मत कहो, कितना आपने अच्छा बताया, बहुत आनंद आया, आपका ये ब्लफ है? हमने कहा ब्लफ वही ब्लफ होती है कि जिसको सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब ब्लफ को ब्लफ के रूप में स्वीकार करो तो वो ब्लफ नहीं है। आपका गणित समझ में नहीं आता, अच्छी बात है, बंदी उठी 1,25,000 की। अब कैसे हमारा सत्संग, हमारा प्रवचन ब्लफ है, हम आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। यहीं से परमात्मा के बारे में कुछ भी बोलो जब झूठ है। कारुण्य सिंधु दुनिया के बारे में बोलो तो ये भी मिथ्या है। इसीलिए कहते हैं प्रपंचो यदि वक्तव्य हा सोपी शब्द विवर्जिता। तो भगवान के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, दुनिया के बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, करे क्या? देखो सुनो मत बोलो। देखो ये जो आपकी स्थिति है ना, ये स्थिति 24/7 रहती है, ये कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। और महत्व की बात, आप चाहो या न चाहो आप यही हो, आप जानो या न जानो आप यही हो। फिर कमी कहाँ है? पहचान। देखो प्रत्यभिज्ञायते, केवल अपने आप को पहचानना है। इसको कहते हैं मौन। देख रहे सुन रहे हैं लेकिन अपनी बैठक पक्की है, कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी होत जैसे होत। ये है मौन। इसीलिए
वाचो यस्मान् निवर्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते प्रपंचो यदि वक्तव्यः सोपि शब्द विवर्जितः। दुनिया के किसी भी वस्तु व्यक्ति के बारे में बोलो कोई अर्थ नहीं उसका। देखो पहले जो दोस्त थे फिर वो दुश्मन बनते हैं, पहले जो दुश्मन है फिर वो दोस्त बनते हैं। ये माता ही अपने लड़कों को परेशान करती है, बेटा शादी कर, बेटा का शादी कर, शादी कर। उसने शादी करी फिर अपने पत्नी के पीछे लगाए, तुमने तो कहा था शादी कर, तो क्या उसने शादी तुम्हारे लिए करी है? देखो संतो, और कहें कि हम अध्ययन करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि घर में ही महाभारत होता है, क्योंकि ज्ञान केवल पुस्तकों में ही रहा है। इसीलिए अगला श्लोक, इति वा तद् भवेत् मौनम् सर्वं सहज संलितम् गिरा मौनम तु बालानाम् अयुक्तम ब्रह्मवादिनाम्। तो मौन की परिभाषा क्या बताई? या तो अपने स्वरूप में बैठे तो आप मौन में हो, या दुनिया को लेकर के परेशान ना हो तो आप मौन में हो। इति वा या तद भवेत मौनम सर्वम सहज सन्नितम। क्या मौन क्या है? मौज में रहो। मौज करो नहीं, मौज में रहो। बी हैप्पी, डोंट बिकम हैप्पी। सहजता जीवन में आ जाती है। जहां जहां सहजता होती है वो हमारा स्वरूप है, जहां प्रयत्न है हम अपने स्वरूप से भटक गए। जैसे जिसकी आंखें 6x6 है, नॉर्मल है, वो बिना चश्मे के सब ठीक देख सकता है। अब जिसकी आंखों में रोग आ गया है उसको प्रयत्न करना पड़ेगा। तो जिनको जिनको चश्मा लगा है उनको पहली बात याद करो, तो एक अम्मा 40-42 की और कुछ पढ़ रही थी, तो ऐसी कर रही थी, ऐसी कर रही थी, ऐसी कर रही थी, ऐसी कर रही थी। तो बच्चे कहते मम्मी बड़ी स्टाइल मार रही हो, क्या कर रही है? नहीं बेटा दिखता नहीं ठीक से। माने अब वो सहज स्थिति नहीं रही। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको दृष्टि प्रदान नहीं करता, केवल हमारे आंखों की जो अकोमोडेशन करने की शक्ति है उसके कारण जो फोकल लेंथ एडजस्ट करनी है वो नहीं हो पाती। फिर चश्मा दे दिया, चश्मा देने से जो दूर की वस्तु है वो नज़दीक आ जाती है, नज़दीक जो है वो दूर चली जाती है। देखो चाहे आप चक्कू को एप्पल पर मारो या एप्पल को चक्कू पर मारो, बात एक ही है। या तो आप अपने आँखों को ऐसा फोकल लेंथ एडजस्ट करने की शक्ति हो, नहीं तो वस्तुओं को आगे पीछे करो, उसके लिए चश्मा लगा दें। देखो तो यहाँ चश्मा ये प्रयत्न हो गया, और चश्मा निकालो तो दिखता नहीं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। माने पतंजलि महर्षि, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। जहाँ जहाँ हमारे जीवन में प्रयत्न शिथिल हो जाते हैं, माने ये सहज सन्नितम, जब हम सहज हो जाते हैं कोई प्रयत्न नहीं, तब हम स्वस्थ है, स्वस्थ अपने आप में स्थित है। तो स्वस्थ क्या होगा? आप मौज में हो। देखो इसको कहते हैं मौन। मौन ऐसे नहीं मुंह फुला के बैठे। एक सज्जन हमको मिलने आए थे कलकत्ते में, टैक्सी लेके आए,
रेलवे स्टेशन से और जब मैं गया उनको रिसीव करने के लिए तो वो टैक्सी वाले ने कहा ये गूंगा आदमी है इससे बात करो बोलता ही नहीं। मैंने तुमको पैसे बोले पैसे मैं देता हूँ पैसे पैसे निकाल दिया। अब वो आया आकर के हम फर्स्ट फ्लोर में रहते थे गए बैठे सब किया बोलता ही नहीं कुछ। फिर दूसरे दिन बोले स्वामी जी मेरा मौन का आखिरी दिन था इसलिए मैंने बोला। हमने कहा जिंदगी भर मौन रखो अपने मौन के कारण दूसरों को कितनी परेशानी होती है। मौन रहना है ना तो किसी गुफा में चले जाओ। समाज में रहना है नॉर्मल रहो। हमने कितने बार बताया आपको आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी। निर्विशेष सत्ता ही परमात्मा है। हम विशेषता निर्माण करते हैं। क्या कम विशेषता है हम में? मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं मैं जवान हूं मैं बूढ़ा हूं मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मैं पढ़ा लिखा ज्यादा ही पढ़ा लिखा कितनी विशेषता हो गई। एक और मैं स्पिरिचुअल सत्यानाश। इसीलिए गिरा मौनम तो बाला नाम ये महात्मा लोग बताते हैं ना कि बेटा मौन रखो इसलिए कि वो तंग आ गए थे उससे। देखो इसी प्रकार से जो महात्मा लोग आपको मंत्र देते हैं ना वो भी आपसे तंग आ गए इसलिए देते हैं। एक ऐसे सर खाओ पहुंच गए एक महात्मा के पास तो महाराज जी कुछ उपदेश करिए बेटा तुमको मैं मंत्र दीक्षा देता हूँ। अच्छा खुश देखो तुम मेरे लिए विशेष हो समझ लेना आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जैसे सूर्य के लिए कोई विशेष और विशेष नहीं होता सबके प्रति समान सी समूहम सर्वभूतेषु नमे द्वेषोस्ति न प्रियः। ये तो अपने ही मन की खिचड़ी होती है। महाराज जी हमको बहुत अच्छा है कुछ नहीं होता। किसी भी महात्मा पर विश्वास मत रखो सब धोखेबाज होते हैं। देखो तो देखो बेटा तुम जो है ना बड़ी उच्च दर्जे की साधक हो इसीलिए अब तुमको मैं कली संतरण उपनिषद का महामंत्र देता हूँ। अब कुछ समझ में नहीं आया लेकिन उसको लगता कि हाँ देखो मुझे कितना हो रहा। और फिर बताते हैं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बेटा ये मंत्र की 108 की रोज 36 माला करनी है 24 घंटे बुक। उससे क्या होगा महात्मा जी को शांति मिलेगी। देखो इसीलिए गिरा मौनम तु बालानाम अयुक्तम ब्रह्मवादिनाम। यदि आप आत्मचिंतन कर रहे हो इस चक्कर में मत पड़ो ध्यान अपने स्वरूप पर रहे। ना कोई दोस्त है किसी को आओ मत कहो ना कोई दुश्मन है किसी को जाओ मत कहो। देखो ये जो स्थिति है ना आपकी इसको कहते हैं मौन। अभी आपको ये भान है क्या कि आप स्त्री हो या पुरुष हो? क्या आपको ये भान है कि आप ऋषिकेश में हो कि आपके घर में हो? क्या आपको ये भान है 2022 या 2023 है? देखो और इसीलिए आपको कोई प्रयत्न नहीं है। यह जो सहज स्थिति है ना सहज संजितम इसको कहते हैं मौनम।
और यदि आपको पूछा जाए कि दो सौ नब्बे दिन के पहले आप सुबह 9 बजे क्या कर रहे थे, तो गणित करने में लग जाओगे, 290 में हो गया सत्यानाश। जहां प्रयत्न है वहां आप अपने स्वरूप से भटक गए हैं। प्रयत्न समाप्त तो होते केवल वर्तमान में, और जब हम मिस्टर नोबडी होते हैं तब। इसीलिए कहते हैं ना, नोबडी इज हैप्पी, नोबडी अलोन इज हैप्पी, समबडी इज ऑलवेज मिजरेबल। तो इति वा भवेत् तद् मौनम् सर्वं सहज सन्निधम् गिराम मौनम तो बालानाम अयुक्तम ब्रह्मवादिनाम। यदि आप इसका अध्ययन कर रहे हो तो ये फालतू की चीजों में मत फंसो। आदावंते च मध्ये च जेनो जनो यस्मिन् न विद्यते येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजन स्मृतः। आदावंते च मध्ये च, जिसमें आदि में अंत में और मध्य में, जनः यस्मिन् न विद्यते, जिसमें कोई भी नहीं होता, देखो, और ये न इदम सर्वम व्याप्तम, देखो, और जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, स देशो विजन स्मृतः। तो कहते हैं ना, ध्यान करने के लिए आप ऐसे स्थान पर चले जाओ कि जहाँ कोई गड़बड़ करने वाला ना हो। एक कपड़े में कोने में जाके बैठो और वहाँ जा करके किसी को आने देना मत, कुछ करना, शांत हो, विजनस ऐसा स्थान, कोई डिस्टर्ब ना करे। देखो, एक कनाडा के सज्जन हमको फ़ोन किए, बोले स्वामी जी मैं कनाडा छोड़ के इंडिया में आकर के हिमालय में जाना चाहता हूँ, और मैं ऊपर जाते जाते पहले एक आध संन्यास दीक्षा लेके जाऊँगा, तो मुझे बताइए कहाँ मिलती है संन्यास दीक्षा। हमने कहा गूगल करो, गूगल में सब मिलता है। आज के दुनिया का आपको कहानी पता है ना, आज के दुनिया में बच्चे पैदा नहीं होते, डाउनलोड होते, देखो। और माँ बाप कौन है, बाप है गूगल और माँ है अम्मा जान, अमेजॉन, देखो। तो हम वहाँ से आ जाएंगे कनाडा से, और फिर यहाँ संन्यास दीक्षा लेंगे, और फिर हिमालय में जाकर के साधना करेंगे, एकांत चाहिए। देखो महाराज, जहाँ जाओगे वहाँ आप होगे। मनुष्य स्वयं के कारण जितना दुखी होता है, वो अन्य किसी के कारण दुखी नहीं होता। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। देखो महाराज, इसीलिए एकांत में जाकर के ध्यान करेंगे, फिर वहां पक्षी चिरचिर करते रहेंगे, पता नहीं सुबह सुबह क्यों उठे। जितना आप किसी को भी महत्व दो, वो आपको परेशान करेगा। किसको भी महत्व दो, आप शांति को महत्व दो, आपको स्मशान में भी शब्द सुनने को मिलेगी, ओ वाह भूत है यहाँ। देखो महाराज, कहीं भी चले जाओ, आपका ध्यान और शांति के कारण शब्द के तरफ होगा। विजन, जहाँ कोई नहीं है, कहाँ कोई नहीं है, आदावंते च मध्ये च जनो यस्मिन् न विद्यते,
पहले भी कोई नहीं था, अभी भी कोई नहीं है, बाद में भी कोई नहीं रहता, ऐसा जो स्थान है। और ये न इदम सततम व्याप्तम, और जो सब में व्याप्त है, सततम अखंड ततम मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना। देखो तो कहाँ जाए, ध्यान से सुनना, ऐसी धारणा करे कि आकाश का अनुभव क्या होगा, दुनिया ये चार महाभूतों को बना करके बनी है, और ये कहाँ है, आकाश में है। भगवान कहते हैं द्वितीय अध्याय में यही बात, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। ये चार बातें, इनका प्रभाव जिस पर पड़ता नहीं वो है आकाश। शस्त्र आकाश को काट नहीं सकते, पानी आकाश को गीला नहीं कर सकता, अग्नि आकाश को जला नहीं सकता। तात्पर्य क्या हो गया, किसी का होना न होना, इसका हम पर कोई भी प्रभाव न पड़े, वो है विजन, वो है ऐसा स्थान कि जहां हम डिस्टर्ब होते ही नहीं। और ये बात केवल समझदारी से होगी, जैसे कोई भी रंग रूप रहे, दृष्टि डिस्टर्ब नहीं होती। हरा रंग देखा तो दृष्टि हरी नहीं होती, सफेद देखा तो सफेद नहीं होती, लाल देखा तो लाल नहीं होती, तिरंगा झंडा देखा तो तिरंगी नहीं होती। माने किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये हमारा स्वरूप है, करना कुछ नहीं है। देखो जैसे आकाश, गर्मी के दिन आए आकाश को पसीना नहीं, बारिश के दिन आए आकाश गीला नहीं होता, ठंड के दिन आए आकाश सुखड़ता नहीं, क्या ये अपना स्वरूप नहीं है? जागृत आया गर्मी के दिन आए, फिर सपना आया बादल बरस रहे हैं, सुषुप्ति आई अंधकार हो गया, समाधि लगी बड़ा शुद्ध पवित्र आकाश है, क्या फर्क पड़ा? तो कहाँ जाकर के बैठना है, कौन सा स्थान योग्य है, ये स्थान योग्य है। इसीलिए आदा वंते च मध्य जनो यस्मिन्न विद्यते ये न सततम व्याप्तम सदेशः। तो कौन सा देश है, यही अपना स्वरूप। केवल चिंतन करना है, अब कुछ नहीं करना। सुषुप्ति अवस्था का थोड़ा विश्लेषण करके देखें, सुषुप्ति अवस्था में हम कहाँ होते हैं, स्थूल आकाश गायब, सूक्ष्म आकाश गायब, कहाँ होते हैं? उसके बाद सुषुप्ति में हम कब होते हैं, काल गायब। तीसरी बात, सुषुप्ति हम क्या होते हैं, स्त्री पुरुष पति पत्नी सब गायब, लेकिन हम होते जरूर है। देखो ये जो स्थान है, इसको यहां कहा है सदेशो विजन स्मृतः, जहां कोई नहीं होता। देखो जैसे मृग तृष्णा या मृग जल दिखता, सब कुछ होता नहीं, तो इसका प्रभाव क्या होगा? जब हमने मृग जल को यह केवल प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है, इस प्रकार से स्वीकार कर लिया है, तो ये मृग जल को लेकर के हमारी रिएक्शन क्या होगी? मुझे एक बोतल मृग जल चाहिए, नहीं। मैं मृग जल को सुधारना चाहता हूँ, नहीं। मैं मृग जल को नष्ट करना चाहता हूँ, नहीं।
मैं मृग जल को बदलना चाहता हूँ, हमेशा वही का वही नहीं। कारण हमने मृग जल को सत्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। देखो हमारे तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस रामायण का प्रचार करने के लिए नहीं लिखा। देखो स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अध्यात्म अपने स्वरूप को पहचानने के लिए होता है, उसी में जीवन की कृतकृत्यता है। ये बात भी हमने कई बार बताई आपको, ईंट पत्थर का उद्धार हो गया पेड़ पौधे बन गए, उनका उद्धार हो गया पशु पक्षी बन गए, उनका उद्धार हो गया मनुष्य बन गए। अब इसके बाद का उद्धार केवल आध्यात्मिक ही हो सकता है और दूसरा कोई नहीं। हम आखिरी स्टेप पर है। ये बच्चे लोग खेलते हैं ना सांप सीढ़ी, 98 में पहुंच गए, बस अब 2 चाहिए, 100 मिलेगा, 1 नहीं आना चाहिए, 1 नहीं आना चाहिए, कृष्ण 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 कृष्ण, और वो 1 आ जाता है, फिर वहां से वापस चले गए 2 पर, अरे राम, फिर से शुरू, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, रोते रहो होते। देखो जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है संतो, इसीलिए आदावंते च मध्ये च जनो यस्मिन् न विद्यते येनेदं सततं व्याप्तं सदेशो विजन स्मृतः। तो कहाँ कोई भी नहीं है, अपने स्वरूप में कोई भी नहीं है, ना द्वंद्व है ना द्वैत है। तो कहाँ करे, कहाँ बैठे मेडिटेशन के लिए, अपने आप में बैठो, कौन सा आसन करे, शवासन, उससे क्या होगा, लोगों को उठा के ले जाने में आसानी होगी। एक गांव में एक व्यक्ति था कारपेंटर सुतार, सबको परेशान करता था, सुबह सुबह जाएगा हर एक को परेशान करेगा, उल्टी सीधी बात करेगा, इसके बाद उसके बाद कर देगा, सब गांव के लोग परेशान थे उससे, अरे बाप रे सुबह सुबह आ गया। एक दिन वो आया ही नहीं, अरे क्या हो गया, आया नहीं आज। जब रोज परेशान होने की आदत होती है ना, परेशानी नहीं मिली तो आदमी परेशान हो जाता है, अरे क्यों नहीं आया वो आज, इसी समय वो आता है रोज, आज क्यों नहीं आया, 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटे 12 घंटे 6 घंटे 12 बजे के करीब आया नहीं, देखते कहीं मरा तो नहीं, जाके दरवाजा अंदर से बंद, आवाज़ नहीं कुछ नहीं, खटखटाया कुछ नहीं, क्या हो गया इसको। तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर गए, और ये मरा पड़ा था। कैसे मरा पड़ा था, कोने में उसने शीर्षासन करके पैरों को ऐसा करके, गर्दन को ऐसा करके, हाथों को ऐसा करके, ऐसा मर गया। अच्छा फिर अब अपने गांव का इसका तो इलाज करना ही पड़ेगा। जब उसको निकाला, सीढ़ी पर लगाओ, हाथ दबाओ तो पैर ऊपर आते, पैर दबाओ तो हाथ ऊपर आते, सर दबाओ तो टांग ऊपर आती, पैरों को दबाओ तो ऐसा खड़ा हो जाता, आखिरी दम तक उसने सब को। ये जो आपका आनंद है ना, इसको कहते हैं ब्रह्मानंद। आपको क्या मिला है इसमें, आपका जो निहित आनंद है वही प्रकट हो गया। कुछ मिला क्या आपको, यह जो स्थान है यह विजन स्मृतः, इसीलिए कहते येन इदम सततम व्याप्तम सदेशो विजन स्मृतः। इस प्रकार से योग्य देश में जाकर के अपनी साधना करनी है। आगे कहते हैं
देश मिल गया, अब काल में चलते हैं। कल्पना सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः कालशब्देन निर्दिष्टम् यखण्डानन्दमद्वयम्। कल्पना सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः, पहले काल को ठीक से समझ ले। हमारे दृष्टि से काल माने काल का असली नाप होता है, देखो एक घंटे की क्लास है तो एक घंटा काल हो गया, तो हमने केवल नापा है। जैसे कहा कि दो लीटर क्या, नहीं दो लीटर ये नाप है। देखो लिक्विड का पानी भी हो सकता है, दूध भी हो सकता है। उसी प्रकार से छः किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, स्पेस। तो आकाश का नाप किलोमीटर में, उसके बाद लिक्विड का नाप लीटर में, 4 किलो क्या 4 किलो, तो वस्तु का नाप किलो में हो गया। देखो और काल का नाप, देखो गिनती कैसे शुरू होती है, 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इज इट नॉट। व्हाट इज द फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ टाइम, सेकंड, फर्स्ट नहीं है, हाउ मेनी सेकंड्स, क्योंकि जो असली काल है वो एक है। जहां सेकंड आ गया वहां से काल का नाप शुरू हो गया। तो जो हम काल काल की बात करते हैं ना, वो गलत है, वो काल नहीं है, वो काल का नाप है। और ये काल का नाप कैसे निर्माण होता है, जहां सीक्वेंस निर्माण हो गया, सुबह हो गई, जग गए, एक घटना, बाथरूम गए, दूसरी घटना, फिर नहाए, तीसरी घटना, फिर चौथी पूजा की, चौथी घटना, धीरे धीरे एक सीक्वेंस तैयार हो गया। और फिर हम कहते हैं 3 घंटे से हम कर रहे, हमको कोई चाय नहीं दे रहा है। देखो तो जो हम काल कहते हैं वो असल में काल नहीं है, वो काल का नाप है। और ये काल निर्माण कब होता है, जब सीक्वेंस एस्टैब्लिश होता है तब। जैसे हम सो गए, घटना सो गए, उसके बाद जब तक जगते नहीं दूसरी घटना हुई नहीं, तो उठने के बाद पहली बात क्या करते हैं हम, मैं 6 बजे सोया था, अब देखते कितने, 8, 2 ही घंटे सोया था महाराज, 3 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए। तो जो आदमी अपनी घड़ी देख रहा है उसके लिए तो 2 ही घंटे हो गए, लेकिन समाज के लिए, जगत के लिए 3 दिन निकल गए। और इसीलिए सुषुप्ति में घटना नहीं घटती, इसीलिए सुषुप्ति में काल का निर्माण नहीं होता। तो कल्पना सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः काल शब्देन निर्दिष्टं यखण्डानन्दमद्वयम्। तो काल शब्द का अर्थ क्या है और कब हमको अपना ध्यान का, आध्यात्मिक साधना का समय है, ये हम अगले सत्संग में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।